सो हेलो, तो गाइस कैसे आप सब। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से आज के ट्रेंड टॉक्स के इस एपिसोड को, और बताता हूँ कि आज मेरे पास क्या अपडेट्स हैं आप लोगों को देने के लिए। सबसे पहली जो अपडेट है वो है ट्रेन 18 को लेकर के। एज सच, जैसा कि आप सभी को पता है कि ट्रेन 18 के जो ट्रायल्स हैं वो शुरू हो गए हैं मुरादाबाद सेक्शन के अंदर। आई थिंक आज और कल ये जो ट्रायल्स हैं, मतलब सैटरडे और संडे को ये जो ट्रायल्स हैं बिगिन रहेंगे इस सेक्शन के अंदर, और इसके बाद जो इसके आगे के जो स्केड्यूल ट्रायल्स हैं वो लिए जाएंगे। दोस्तों, आज की जो नेक्स्ट खबर है वो थोड़ी सी गंभीर है, क्योंकि रेलवे ने इतना बड़ा डेटा फर्स्ट टाइम रिलीज़ किया है। तो 12,83,415 हैंड टॉवल्स, 4,71,077 बेडशीट्स, 3,14,952 पिलो कवर्स, पिछले साल इतना गायब हुआ था, और इस साल 56,287 पिलो एंड 46,515 ब्लैंकेट्स इस करंट ईयर में गायब हुआ है 2018 के, जिसके हम अभी अप्रैल से गिने तो आई थिंक सिक्स्थ एंड सेवन्थ मंथ के अंदर हैं। ठीक है, इतना हेफ्टी अमाउंट चोरी हुआ है। अगर इस टोटल सामान की बात करें तो मुझे एक अंदाजे पे लगता है कि ये करोड़ों का सामान है। देखो, मैं ये नहीं कहता कि ये सारा सिर्फ सारे का सारा पैसेंजर्स लेके गए हैं, बिल्कुल ये कहना गलत होगा कि ये सारा पैसेंजर्स ने चुराया होगा। बहुत बहुत बड़े उसके लेवल पर ये जो रेलवे के एम्प्लॉयज होते हैं, हो सकता है उनका भी ये काम हो, दोनों ही की साठगांठ है। लेकिन यहाँ पे जो सोचने वाला मैटर है वो है ये नंबर्स, 12,83,000 हैंड टॉवल्स। ऐसा लगता है सुन के कि हर ट्रेन में चोरी हो गई है। एग्जैक्टली हुआ भी ऐसे ही होगा। दोस्तों, नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे के CPRO ऑफिसर ने, जिनका नाम है गौरव कृष्ण बंसल, इन्होंने जितने भी स्टेशंस कुंभ मेला के रीजन के अंदर आते हैं उनको ये आदेश दिया है कि वो सभी 15 डेज इन एडवांस की अनरिजर्व टिकटिंग देंगे। मतलब कि जो हम लोकल पैसेंजर का टिकट खरीदते हैं, जो कि ऑन द डे जर्नी के लिए होता है, जिस दिन आप खरीदते हैं बस उसी दिन के लिए वैलिड होता है, सिर्फ कुंभ रीजन वाले स्टेशंस के ऊपर वो 15 दिन की वैलिडिटी के साथ में आएगा। आपको जब भी ट्रैवल करना है आप उससे 15 दिन पहले अपना टिकट्स को बुक कर सकते हैं। दोस्तों, 19 अक्टूबर को आप सभी को पता है कि अमृतसर रेल हादसा हुआ था, और उस रेल हादसे के दौरान 61 लोगों की डेथ हो गई थी। अब ये रेल हादसा हुआ, ठीक है, अभी भी ज़्यादा समय नहीं बीता है, लगभग अगर देखा जाए तो फोर्थ हफ्ते की बात, 3 हफ्ते पूरे पूरे बीते हैं उस हादसे को हुए हुए। और उसी जगह पर थोड़ी सी पास में एक शिरिंद कैनाल पड़ता है, शिरिंद कैनाल, वहाँ पे जैसा आपको पता है कि छठ पूजा अभी अभी जाके चुकी है, तो मुझे कंफर्म तो नहीं है कि छठ पूजा के रिचुअल्स क्या होते हैं, बट आई थिंक कुछ सुबह सुबह की पूजा होती है जहाँ पे राइजिंग सन को नमस्कार किया जाता है, जहाँ तक मुझे पता है। तो हजारों, मतलब काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोग थे वो अगेन रेलवे ट्रैक्स पे आके खड़े हुए, और उन्होंने अपने रिचुअल्स को, जो भी पूजा वगैरह थी उसको किया, बावजूद इसके कि रेलवे अथॉरिटीज़ ने उनको बहुत समझाया, वहाँ की पुलिस वगैरह ने उनको बहुत ये समझाने की कोशिश करी। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं बात आती है कि जब धर्म की बात होती है ना, तो पुलिस वाले अपने लेवल पे ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते। ऑल दो अगर उनके पास ऑर्डर्स हो तो बात अलग है, लेकिन अपने लेवल पे वो इतना इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं बात ये उठती है कि इतने बड़े रेल हादसे के बाद भी जो जनरल पब्लिक है उस तक वो मैसेज नहीं पहुँचा है, या उस तक उससे उन्होंने कुछ सीखा नहीं, क्योंकि अभी भी बहुत लोग खड़े हुए हैं लाइन के ऊपर, और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और कुछ भी हो सकता है, तो फिर अगेन ये सच में अगर वो हादसा दोबारा हो जाए तो सोचने वाली बात है। दोस्तों, यहाँ पे एक बात निकल के आई है, किसी रेलवे के ऑफिशियल ने कहा है कि रेलवे के 75 बिजिएस्ट स्टेशन के ऊपर 100 फीट ऊंचे जो तिरंगे होते हैं उनको लगाया जाएगा, तिरंगे लगाएंगे। इसके अंदर 7 स्टेशन जो है मुंबई के अंदर आते हैं। जस्ट गुड टू गिव एक नेशनल, मतलब एक देते हैं ना कि हाँ नेशनल फीलिंग आती है आपको, एक बस वो वाली बात है। आई थिंक ये काम 26 जनवरी 2019 के लिए करा जा रहा है, हो सकता है उससे पहले तक इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी कर लिया जाए, इस टाइप का कुछ हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इंडियन रेलवेज की अभी तक इकलौती तेजस एक्सप्रेस है जो कि मुंबई से करमाली के बीच में चलती है, और इस ट्रेन को अपनी जर्नी ख़त्म करने में करीबन 6 या 7 घंटे का टाइम लगता है। ठीक है, अभी ये ट्रैवल टाइम जो कोंकण रेलवे किसी भी तरीके से कम करना चाह रहा है, और वो चाह रहा है कि तेजस को एटलीस्ट कोंकण रेलवे की फास्टेस्ट ट्रेन की वो मिले, जो कि खिताब इसको अब मिल चुका है।
एक्चुअली इस ट्रेन के अभी पीछे कुछ ट्रायल्स किए गए थे जिसको जिसके ऊपर टेस्ट किया गया था कि क्या हम इस ट्रेन को 120 केएमपीएच पर चला सकते हैं। तेजस के जो रेक्स बनाए गए हैं वो 200 के लिए कैपेबल हैं, बट द प्रॉब्लम इज ट्रैक्स कैपेबल नहीं है। तो टेस्ट हुआ, टेस्ट सक्सेसफुल हुआ और इस ट्रेन की जो एमपीएस है उसको 120 केएमपीएच कर दिया गया है, जिसके कारण ये ट्रेन अपने बोथ एंड्स पे 15 से मिनिमम 15 मैक्सिमम टू 30 मिनट्स की ट्रैवल टाइम में सेव करेगी। और अभी ये ट्रेन कोंकण रेलवे की फास्टेस्ट ट्रेन के अंदर आ चुकी है। दोस्तों आज की ट्रेन टॉक्स के एपिसोड में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे दूसरी वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर से कर देना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दिस शुभम कुमार साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। आप ऐसे बहुत सारे लोग कह रहे थे ये लास्ट वाली चीज़ बहुत तेज बोलते हो, तो थोड़ा सा धीरे करो, तो थोड़ी सी धीरे करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, चलिए शुभ रात्रि।